तीर्थ स्थान तो गुरु नानक देव जी ने गोष्ट की सी उन्हां पंडितां दे नाल जिहड़े मतलब इत्थे तीर्थ स्थान नूं ही सारा कुछ मान सारियां इत्थे किताबां पईआं ने। इह किताबां ना पुष्कर दे बाजार दे विच हैंडमेड किताबां ने। श्री अकाल जी, सारयां नूं स्वागत करदे आं नवें ब्लॉग नवीं वीडियो दे विच। राजस्थान दा अपना टूर तुहानूं पता ही है कि चल ही रहा बहुत लंबे समें तों, ते 10 क दिन हो गए ने। हुण आपां जिहड़ी जगह दे उत्ते खड़े आ, इह हैगी आ जी पुष्कर। ते पुष्कर अजमेर तों थोड़ा जिहा नेड़े ही पैंदा, अजमेर तों 15 किलोमीटर दा डिस्टेंस ऐ ला लो। इक ना विचाले पहाड़ बणिआ होइआ, बस उह तुहानूं मैं दिखाउणा पहाड़। उह पहाड़ दे परले पासे अजमेर आ, इधरले पासे पुष्कर आ। पुष्कर जिहड़ी आपां जगह दे उत्ते खड़े आ, पिछे तुसीं गुरद्वारा साहिब दे दर्शन कर रहे हो। इह गुरु नानक देव जी दा स्थान आ जी। गुरु नानक देव जी इस जगह दे उत्ते आए सी, उहनां दे चरण पए होए ने। इतिहास भी तुहानूं दस्सांगे ते पुष्कर शहर दी की महानता होर उह वी तुहानूं आपां सारा दस्सांगे। बहुत मतलब इस जगह दे उत्ते ना गुरु गोबिंद सिंह जी भी आए हुए ने, ते जिहड़े मतलब परिवार नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने दर्शन दित्ते सी उहनां दे भी अग्गे पीढ़ी चल रही आ। इह सारी अज्ज जिहड़ी अपने 2-3 ब्लॉग आउणगे पुष्कर दे, उहदे विच तुहानूं सारी जानकारी देवांगे। पहलां गुरद्वारा साहिब दे तुहानूं दर्शन करवा दईए, ते होर इनफॉर्मेशन जिहड़ी इत्थों दी हैगी आ किवें तुसीं आ सकदे हो, उह वी तुहानूं आपां नाल नाल दे देवांगे। सामणे तुसीं दर्शन कर रहे हो जी गुरु नानक देव जी दे स्थान दे। पुष्कर दे विच इक इक गुरद्वारा साहिब बणिआ होइआ, ते बहुत वड्डा गुरद्वारा साहिब बणिआ होइआ जिहड़ा तुसीं पिछे आ पहाड़ देख रहे हो ना, इहदे पिछले पासे आ अजमेर। अजमेर तुहानूं आपां कल दी वीडियो दे विच लै के चलांगे। ते सारा पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया पर ठंड इत्थे पहाड़ां वाली नहीं हैगी, इत्थे गर्मी पूरी आ। ते हिंदुआं दा बहुत वड्डा स्थान आ जी इह, है ना, तीर्थ मन्निया गया उन्हां दा। उह तुहानूं आपां सारे अग्गे नाल नाल लिजा के दसदे आ। ते इधर नवीआं सरावां बणीआं सी, तीजी मंजिल ते आपां नूं सराह मिल गई। तो जो पिछली बारी आप आए थे उदो आप ग्राउंड फ्लोर पर रहे थे। बाबे कहिंदे अतकी तुसीं नवीआं सरां दा आप मुहूर्त करो जाके, तो सानू बाबे जाणदे सी इह। तो हुण आप चलदे आ थले नूं, काफ़ी खुला स्थान बनया हुआ गुरद्वारा साहब का इतने, क्योंकि यह ना जो पुष्कर आ ये हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान आ। 52 इतने कहते घाट बने हुए ने हिंदुओं के, तो करके ना कहते जो गुरद्वारा साहब बनाया तो यह गुरद्वारा साहब न बनाने के भी बहुत दिक्कत आई है। पहले इनू बना नहीं दिता जाता हों, मतलब जदोजहद करके आउट ऑफ स्टेट जो गुरद्वारा साहब बनता तो माड़ी जी प्रॉब्लम तो आती है। तो नीचे पासे ना ग्राउंड फ्लोर आदि पास भी आले दुआले कमरे बने हुए हैं, पाठी सिंघा ने भी रेंदे ने। आप पहली मंजिल के उत्ते जाके पहला मत्था टेक के आने, साइड व्यू थोड़ा मैं किरण दिखा दा गुरद्वारा साहब का, एवें दा जी। इतों ते पहाड़ां दे विच बने हुए इस गुरद्वारा साहब का इतिहास यह है कि गुरु नानक देव जी ना इस जगह दे उत्ते आए सी अपनी दूसरी उदासी दे टाइम कहा जाता। इस तो पहला गुरु नानक देव जी पहला अपने अजमेर आए सी, अजमेर तो बाद पुष्कर आए ने। ते इत्थे कहिंदे बहुत वड्डा तीर्थ स्थान तो गुरु नानक देव जी ने गोष्ट की सी उन्हां पंडितां दे नाल जिहड़े मतलब इत्थे तीर्थ स्थान नूं ही सारा कुछ मन्नदे सी, जां कहिंदे तीर्थ नहाउण नाल ही तुहाडा जीवन सफल हो सकदा। गुरु नानक देव जी ने कहा भी सी वी नाम जपना ही इक तीर्थ आ। उह सारी विचार इत्थे गुरु नानक देव जी दी पंडितां दे नाल होई सी, ते उहनां दी याद दे विच अज्ज इह गुरद्वारा साहिब बणिआ होइआ गुरद्वारा गुरु नानक दरबार पुष्कर दे विच। तो यह जी गुरद्वारा साहब का बारला पासा, तो गुरद्वारा साहब के नाल ही इधरले पासे ना तुहानू टैक्सियां देखने को मिल जाएगी। टैक्सियां तो पता लग जूगा कि इत्थे ना टूरिस्ट एरिया बहुत आ, फॉरनर भी बहुत आए हुए ने, क्योंकि लोग जिवें अपने तुसीं देखिया ना पहाड़ां दे विच भी फॉरनर जांदे ने, है ना, शांतमई स्थान ते, तां इह थां दे उत्ते भी फॉरनर कल्चर देखना पसंद करदे ने। इंडिया वाला उस हिसाब दे नाल इधरले पासे आए हुंदे ने घूमण वास्ते। टैक्सवांगे पहले सानू इक कम मोबाइलां वाली दुकान ते उह कम असीं कंप्लीट कर लईए, है ना, एवें मतलब जिवें तुहानूं पता ही है ना भी हिंदुओं का जो तीर्थ स्थान हुंदा उत्थे साधु वगैरह हो गए, गऊआं हो गई, ये सारू सारिया चीज़ा उत्थे हुंदियां ने। ते बाकी इत्थे अपने सिखां दा एक भी घर नहीं हैगा, ते जिहड़े सिख इत्थों हैगे ने उह बाद दे विच बने होए ने, सिंधी सिख जिन्हां नूं बाबा जी ने दस्सिया कि सिंधी सिख ने, मतलब जिहड़ा अपने पंजाब तों आ के इत्थे वसे होए ने, उह नहीं इत्थे कोई भी हैगा, ठीक है। ज़्यादातर इत्थे लोग अपने रेंट ते बाइक लैके आ जाते हैं घूमण वास्ते, बाकी इत्थे टैक्सियां दा किराया लिखा होया। इत्थों भी तुसीं अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, दिल्ली, आगरा, जैसलमेर, किशनगढ़ जिथे जिथे तुसीं घूमना किराए ते टैक्सियां लैके जा सकते हो।
जो असं पिछली बार आए थे ना इतने कट्ठ जहा बहुत से हूँ सूँ कट्ठ जहा घट लग रहा पर अगे जाके भी एक मेन बाजार हैगा उ थोड़ा जहा ज़्यादा हो सकता कट्ठ तो हमने हमने नवंबर के ना पुष्कर का मेला लगता हूँ जिम्मे सूँ पता ही है भी पुष्कर का मेला बहुत फेमस आ बहुत बड़े लैवल से मनाया जाता तो 9 नवंबर के नेड़े तेड़े जाके खत्म हों चार 3-4 दिन चलता शायद तो है ना वो साड़ी सलाह हैगी उदो फिर सानू घरे काम से उदो असी आए नहीं है ता करके असी हुण आए हाँ तो हुण देखण नूं इत्थे मेले का कुछ है नहीं वैसे कल भी एक दो मंदिर सुन जो डिफरेंट जे है ना वो चीज़ा सूँ सारिया दिखावे ठंड वाला माहौल इतने दूजा ही जिहड़े कोट कोट पाई फिरते हैं थोड़ा जिहा मतलब इन्नी ठंड है नहीं असी जो पिछे कल जोधपुर गए हैं जोधपुर बहुत ठंड से इतने ठंड वाला माहौल घट आ तो पुष्कर का बाजार एवं बनया हुआ देख लो। एक गल होर आ कि जो तुम किसी भी थान के उत्ते घूमन जाते हो ना तो सूँ उतों की जी स्पैशल चीज़ा होंदियां वो बहुत सूँ देखने को मिलनगियां है ना तो इतने ना 52 घाट बने हुए ने एक तरह के तो 52 घाट है ना वो अड्ड अड्ड तीर्थ स्थान ने मतलब किसी भी घाट के उत्ते जाके इनान कर सकते हो आपकी श्रद्धा के मुताबिक हुंदी मत के अनुसार। बाकी इतने एक ब्रह्मा का मंदिर बनया हुआ बहुत बड़ा कहा भी जाता कि वह ब्रह्मा का मंदिर कहते पूरी दुनिया के एको ही आ पर मैनू नहीं लगता क्योंकि एक थान पर होर भी हैगा ब्रह्मा का मंदिर असी सुनया सी साडे आपदे शहर के भी एक बस छोटा मंदिर बनया हुआ वो पर वह भी कहते ब्रह्मा का मंदिर ही आ पर इतों के लोग कह देने कि शायद इन्हों पता ना हो शायद भी कितने होर बनया हुआ कि नहीं बनया हुआ है ना। तो अजमेर पुष्कर दोनों सोहने शहर नहीं अजमेर सू जो है वह मुसलमाना वास्ते बहुत मनिया हुआ स्थान तो पुष्कर हिंदुओं वास्ते बहुत मनिया हुआ स्थान है ना। थोड़ा जहा शाम पैगी तो अगे जाके सूँ बाजार दिखाने भी इतने आह देखो तुम जिमें ना पर्स पुरस जोड़े है इतने जो तुम यह हिस्टोरीकल प्लेस से जाने ना ज राजस्थानी कल्चर तो यह बहुत मशहूर आ चीज़ों वास्ते नग नुग जो लगे हो पर्सा के उत्ते आ देख इतने लगे हुए ने ना जिमें आह ये सारे राजस्थानी कल्चर में शो करते हैं परसा वाला माहौल इतने ज्यादा जिम्मे अंग्रेज जो आते हैं ना इतने बहरों घूमने वास्ते वो भी रेंट रुंट से स्कूटरिया फिरते हैं तो उन्होंने कह देंगे भी इन्ने थोड़े पैसे लगन गए तो तुम रेंट पर स्कूटरी लैके अपने आप जो घूमना तो घूम लो। कई अंग्रेज यह जे ने दो दो तीन तीन बारी भी आए हुए हैं इधरले पासे रेस्टोरेंट बनया हुआ गाने गुने चली जाते हैं सामने मंदिर ने मंदिर मतलब बहुत ज़्यादा पुष्कर में हिंदुओं के तीर्थों का कहते राजा भी मनिया गया भी जो इतने प्रोग्राम होंगे ने तो बहुत बड़े लैवल पर प्रोग्राम हों पर गुरु नानक देव जी का स्थान बनया हुआ गुरु नानक देव जी जो इतने आए थे तो है ना उन्होंने तारन वास्ते आए थे जेडे यही समझते सके सिर्फ तीर्थ स्थाना नहाने वाली थोड़ी जीवन सफल हो सकता थोड़ा तो आ सारिया इतने किताबा पे किताबा ना पुष्कर के बाजार के हैंडमेड किताबा ने मतलब ये किताबा दिलत हो गई चाहे इन्हों पेज लग्या हो ना वो सारा इन्होंने कपड़े के नाल तैयार किया हो कपड़े के नाल तैयार करके ही उत्ते ना अलग रेट लगे रेट भी लगे हुए हैं 30 रुपये 40 50 70 तो सारे कपड़े के नाल तैयार हुई हुई इन्होंने जिलत भी तो किताबा भी है ना एवं तो यह तो सूँ पता ही है कि आ कपड़े देखो इधरले पास कढ़ाई वाले जोड़े है ने जहाँ ये सारे हिस्टोरीकल थावान के उत्ते राजस्थान के भी मिलते हैं तो जो कुल्लू मनाली वाली साइड तुम जाओगे ना उत्थे भी मिलेंगे इतने का फॉरनर बहुत ज़्यादा है यार है ना मैं लगता वो कोई या तो पीसफुल एरिया हाँ लंबे टाइम वास्ते रेंदे ने या सामने जो मंदिर देख रहे हो ना मैं लंघ रहा सी कोल दी ते जो लंघता लंघता ना सामने मैं मूर्ति देखी जो बनाई हुई है अपने मैं थोड़ा नेड़े करके दिखा दे एक बार भगत नामदेव जी की मूर्ति बनाई हुई है भगत नामदेव जी का मंदिर उपर लिखा भी हुआ श्री नामदेव विठल भगवान मंदिर पुष्कर भगत नामदेव जी ने है ना विठल भगवान की पूजा करते थे उन्हों का मंदिर नरसी के भी बनया हुआ एकदम नहीं गा पाई मैं चलो सूँ शॉर्ट दिखाता ऐ करके ना इतने बहुत मंदिर बने हुए हैं जिमें इधर बनया हुआ नरसिंह घाट ठीक है हम तुम थले जाओगे उत्थे लोग इनान कर सकते हैं ये मेन बाजार आ गया खाण पीन का भी सारा हिसाब किताब इतें ही है वधिया मतलब एडवांस शहर है ये शाम को तुम आओगे वधिया बाजारों के रौनक मेला जिवें अमृतसर साहब हुंदा ना तुम शाम को खाओ पीओ है ना बाजारों के जाके वधिया रौनक मेला जिहा लग्या हुंदा उवें दा हिसाब किताब है इत्थे सारा। पुष्कर शहर बहुत मशहूर शहर आ है ना तुम आप देखो भी इतने 52 घाट ने 52 थावां के उत्ते इशनान कर सकते हो तो तीर्थां दा तां इन्हां नूं जदों राजा ही मन्निया गया हिंदू धर्म के फिर तो इत्थे इकट्ठ होना ओबीअस आ सिख धर्म के लोग भी इत्थे बहुत आउंदे ने ते इत्थे हुण 20 तरीक नूं कहिंदे गुरपुरब मना के हटे ने बहुत ज़्यादा इकट्ठ होया सी सिखां दा परिवार तो इत्थे कोई है नहीं पर नेड़ों तेड़ों लोग बहुत आ जाते हैं जयपुर वाले पासों आ जाते हैं इत्थे नेड़े जयपुर लगते उदू बाद 150 किलोमीटर टोंक जिला हैगा वह लगता है ना नेड़ों तेड़ों बहुत लोग इत्थे आ जाते हैं। की बन रहा बई ये पिज़्ज़ा रोल बन रहा सिद्धू खाना तो नहीं तो अच्छा बई की दुकान से आए खाए बई कहना साड़ी दुकान का शॉर्ट जरूर लै लो तो नवी चीज़ आसी पसे पहला कदे खाधी नहीं हैगी ये ठीक है थोड़ी दुकान का नाम आ गया बिच ठीक है अच्छा इजराइली फूड है थोड़े को
अच्छा भाई को इजरायली फूड आ, इजरायली ज्यादा आते हैं आवाकाडो पे ने इधर। हाँ जिमें थोनों पता ही है कि इधरले पासे अंग्रेज ज्यादा आते हैं घूमने, ठीक है जी। तो जिमें थोनों पता कि इधरले पासे अंग्रेज ज्यादा आते हैं घूमने वास्ते, आप अंग्रेज कह दें पर ज्यादा इजराइल के लोग ने। तो भाई कहता असं इजरायली फूड तैयार करते हैं, कहता एक बार शॉट चक लो। ऐ जी माहौल इतों का, इधर ब्रह्मा मंदिर बनया हुआ, ब्रह्मा घाट बनया हुआ। ब्रह्मा मंदिर थोड़ा आप अगली वीडियो दिखावे, फिलहाल थोड़ा पुष्कर के गुरद्वारा साहब के नाल ना थोड़ा पुष्कर का आप बाजार दिखा रहे हैं। इधरले पासे आरती हो रही है, जे तुसी किसी प्रोग्राम से आओगे ना इतने थोड़ा पैर धरन थान नहीं मिलनी, ये कोई माड़ी मोटी गल नहीं हैगी। हूँ तो चलो थोड़ा असं दिखा रहे हैं क्योंकि हूँ कोई त्यौहार नहीं है, इतने त्यौहार के वीडियो बनाना इंपॉसीबल हो जाता। इतने बहुत ज़्यादा कोई गुरुद्वारे वाले बाबे ने भी दस्या कि इतने ना पैर में थान नहीं होंगी, इन्ना क मतलब इतने मतलब लोग आ जाता, गुरु घर कमरे फुल हो जाते हैं, है ना। तो मतलब लोग बाहर पे होंगे ने पेशाब छू के। इधर बाइया ने आवाज़ मारती एंटीक बुटीक, ठीक है। तो बाइया को भी जरूर आके लैके जाया करो, कोई स्पैशलिटी हैगी थोड़ी? सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। 92.5। अच्छा 92.5 सिल्वर की वो होते ऐसे, मतलब सोने में 24 कैरेट होता है उसी हिसाब से, ठीक है ठीक है। मतलब ये ज्यादा प्योर होता है? हाँ ज्यादा, ये पहले दुकान है पुष्कर की सिल्वर की। अच्छा सारा सिल्वर ही है आपके पास? ओके ओके भाई, इन्हें दुकान से जरूर आके जाओ एंटीक बुटीक। तो इन्हों को 92.5 मतलब वो कै मतलब एक, हाँ मतलब वो क्वालिटी आ इन्ना प्योर इन्हों को चांदी होंगी है। तो फस्ट कहते एक ही दुकान है पुष्कर की, सारी दुकान तो इन्हों को चांदी हुई है, ठीक है जी। अच्छा उसका नाम भी सेम ही है एंटी? अच्छा गुरुद्वारा के साथ है वो, ठीक है ठीक है, हम गुरुद्वारा में ही ठहरे हैं। ओके ओके ठीक है भाई, जरूर भाई हो रहे ना कॉन्टैक्ट करो जो चांदी बारे प्योर, इधर लिखा भी हो जाता ने 92.5 सिल्वर, ये चांदी की क्वालिटी है। ओके जी, ओके जी, थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल जी। या देखो छोटे छोटे सुन कपड़े दिखा दा कुड़ियों वास्ते, है ना जवाकों वास्ते या होर उन्होंने सुन मैं दिखाना यार। आ दुकान तुम देख लो सामने, है ना समस्त पंजाब राज्य के पुरोहित, ये जी दुकान है ना ये उन्होंने दुकान आ जिन्हें मतलब पुराने है ना बजुर्गों ने, इन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शन किए हुए हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह जी का हथ लिखित हुक्मनामा इन्हों को पिया, वो सामने फोन नंबर है, सवेरे फोन करके फिर आप इन्हों गल करा। ये पंजाबी पंडा दाढ़ी वाला बजते हैं, है ना गुरु गोबिंद सिंह जी के, इन्हों के बजुर्गों ने गुरु गोबिंद सिंह दर्शन किए हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह जी का हथ लिखित हुक्मनामा इन्हों को अज भी पिया, उस आप कल दर्शन करवावे जो पुष्कर आने ना जरूर इन्हों को मिलकर जाया करो। सामने सूँ आप एक बार व्यू दिखाता इन्हों का घर का, ये हुण बंद हो गया सवेरे, आप वीडियो के दिखावे। इधरले पासे देख लो जी, बस ए बाजार आ रौनक मेला, तरह तरह दियां भांत भांत दियां चीज़ां ने, है ना वधिया लोग। मैं हजे तक साडा एक्सपीरियंस 10-12 दिन हो गए, तो राजस्थान के एक्सपीरियंस साडा बहुत वधिया रहा, तो लोगों ने सानू बहुत प्रेम प्यार किया, ढाबियां ते भी रहण वास्ते भी खाण पीण वास्ते भी। इह जे भांडे तां हजूर साहब भी मिलते ने, है ना हजूर साहब, हाँ यह जे भांडे हजूर साहब भी मिलते ने, बस रेटा का फर्क होना। अज कहिंदे जिहड़े इत्थे पंजाबी परिवार आए हुए ने ना अपने बस भर के आई हुई है गुरुद्वारा साहब दे विच, उन्हां दे कोई भोग आ कहिंदे, ते ओह भोग करके इत्थे थोनू जिहड़े पग्गां वाले सरदार देख रहे ने ना ये सारे उधर ही आए हुए ने, हुण आह देख लो। तो वैसे तो इत्थे सिखां दा कोई भी घर नहीं हैगा, ये तड़के कहिंदे उन्हां दे घरे कोई प्रोग्राम आ, तो गुरुद्वारा साहब दे विच इन्हां ने टेंट टुंट लवाया, ये सारे उत्थे जाण वाले ने, है ना। नहीं तो इत्थे थोनू पिछली बार भी असीं आए सी तो सानू देखण नू कोई मिलिया नहीं सी, इत्थे मोटर मोटरसाइकिल विच दी लंघ जांदे ने क्योंकि यह एक नॉर्मल शहर ही आ, तो शहर के विच ही बाजार बनया हुआ जी, मणिकरण साहब आले दुआले बनया हुआ, हरिमंदर साहब आले दुआले बनया हुआ, बस हैंडमेड चीज़ा ने। बस ऐ भी रात नूं गेड़ा गुड़ा देने नूं ये चीज़ वधिया, तुसीं आके सैर सपाटा कर सकते हो, कुछ होर पलां जिवें अपने लोगों नूं शौक है ना अलसू पलसू खाण दा, वह भी इत्थे वधिया मात्रा दे विच मिलदा, वह भी आपां खा सकते हैं ना इत्थों। तो दूजी गल है भी ठंड देखो हुण दसंबर चढ़ने वाला हो गया, 26 तरीक हो गई, ठंड ठुंड वाला इत्थे नामो निशान नहीं हैगा, अद्धियां बाहां चसी फिरदे आ। हाँ जैसलमेर वाला बहुत बुरा हाल सी, तो जिहड़ा जोधपुर के असी रात कट्टी आ उत्थे साडा बहुत बुरा हाल सी, उत्थे बहुत ठंड लगी, ये अड्ड अड्ड एरिए हिसाब नाल उन्होंने नाले जिवें इत्थे पहाड़ ने फिर भी इत्थे ठंड नहीं हैगी, बड़ी तपदी कड़कदी धुप्प पैंदी सी। सिद्धू हैगे ने 10 रुपए? ना
ਦਵਾ ਦੇ ਯਾਰ ਆਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਮੱਥਾ ਠੀਕ ਆ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਤੇਰਾ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਪੱਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਏਟੀਐਮ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਟੀਐਮ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਟਣਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਯਾਰ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨੇ ਭੋਗ ਭੂਗ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਲੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਾਇਆ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਵਧੀਆ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 8 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਓ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬੋਲਚਾਲ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਆ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਜਮੇਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਰੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਫਲੋ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।